इंदौर में अपराध और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए आजाद नगर थाना क्षेत्र इलाके में पुलिस का एक्शन देखने को मिला। पुलिस ने मूसाखेड़ी चौराहे पर सख्त चेकिंग अभियान चलाकर अपराधों पर नकेल कसने की कोशिश की। देखिए एक खास रिपोर्ट। इंदौर का आजाद नगर थाना क्षेत्र अपराध को लेकर रेड जोन बना हुआ है। पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह के निर्देश के बाद एसीपी आशीष पटेल, एडिशनल डीसीपी आलोक कुमार शर्मा के नेतृत्व में मूसाखेड़ी चौराहे पर पुलिस ने आधी रात को सख्त चेकिंग अभियान चलाया। एसीपी आशीष पटेल ने बताया कि चोरी, लूट, डकैती, ड्रग्स तस्करी जैसी घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से सख्ती के साथ ट्रैकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान ब्लैक फिल्म वाली गाड़ियां, मॉडिफाइड साइलेंसर वाली गाड़ियों को भी रोका गया। देखिए आदरणीय सीपी सर ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि शहर में लेट नाइट जो भी संदिग्ध वाहन बाइकर्स मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर और शराब पीकर या किसी प्रकार संदिग्ध चोर टिकेट लूटने इस टाइप के लोग अगर घूमते हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाना है। इसी तारतम्य में आजाद नगर में प्रतिदिन हम लोग अलग अलग जगहों पर चेकिंग लगाते हैं। इसी तारतम्य में अभी आज आजाद नगर चौराहे पर चेकिंग लगाई गई है। इसमें सभी आने वाले वाहनों को चेक किया जा रहा है, उनकी डिक्की को चेक किया जा रहा है, व्हीकल्स को चेक किया जा रहा है, शराब पीने वाले लोगों को चेक किया जा रहा है, ऑटो में जो लोग संदिग्ध लोग घूम रहे हैं उनको चेक किया जा रहा है, जो लोग मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर बुलेट यूज़ कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। और साथ ही ऐसे चाकूबाज या जो चेन स्नेचर टाइप के जो लड़के होते हैं उनको भी हम लोग पहचान करके उनको चिन्हित करके उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। इसको लेकर हमारा थाना पूरा सचेत है और अलर्ट भी है और इसको लेकर लगातार कार्रवाइयाँ की जा रही है। जो भी संदिग्ध व्यक्ति है, जो भी इसमें लिप्त होता है उसके ऊपर हम लोग कठोर कार्रवाई करते हैं। एनडीपीए सेक्टर है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। और अभी कुल मिलाकर इंदौर के आजाद नगर थाना क्षेत्र में क्राइम कंट्रोल करने को लेकर पुलिस अब एक्शन मोड में नजर आ रही है। आने वाले दिनों में अपराधियों और अपराध पर पुलिस बड़ा एक्शन करने की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।